शिवपुरी जिले के नरवर कस्बे के अंतर्गत आने वाली मगरोली स्वास्थ्य केंद्र पर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है, जिससे उन्हें उपचार हेतु शिवपुरी जिला अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में उपचार कराना पड़ता है। वहीं मरीजों और उसके परिजनों ने डॉक्टर और वहां पर पदस्थ स्टाफ पर पैसे लेकर उपचार करने के आरोप लगाए हैं। मंगरोनी की रहने वाली गीता बाई ने बताया कि मंगरोनी स्वास्थ्य केंद्र में जब से डॉक्टर मैडम आई है, तब से सभी मरीजों को एक ही प्रकार की दवाई दी जाती है एवं मरीजों को बिना उपचार के ही रेफर कर दिया जाता है और डॉक्टर कभी कभी आते ही नहीं है और आते हैं तो समय पर नहीं आते। जब इस संबंध में CMHO पवन जैन से बात की तो उन्होंने कहा BMO से बात करें। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आशा बोल, आशा बोले, आशा बैठ गया हमारी, आशा है, हां बोलो, आशा बोले, नाम तो बता दूंगा, क्या नाम है? अरे तो रुको, तो आशा बोले रे चाचा भाई, क्या नाम है आपका? रमेश कुशवा। कहां रहते हैं आप? यही वार्ड क्रमांक 11 में, मंगरोनी में। मंगरोनी में? अच्छा अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र की क्या हालत है मंगरोनी के? स्वास्थ्य केंद्र तो जो मान लो अब तो खत्म है। अच्छा, केवल नाम का रह गया है। कब से? जब से शर्मा जी गए हैं, जब से। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? पहले तो ठीक ठाक था थोड़ा बहुत, अब तो बिल्कुल सब खत्म है। क्या दिक्कत है? आप इलाज के लिए जाते हो तो आपको इलाज कुछ नहीं है, पर्चा बनाओ और रेफर कर दिया। अच्छा, आप जाए चाहे जाओ, कुछ उनका वो नहीं है। दवाई वगैरह देते हैं? दवाई भाई तो दे रही, नामांतर यार वो एक दो गोली बस, पंचायत में जाना, कोई खास दवाई भी नहीं है, दवाई भी नहीं है खास। डॉक्टर वगैरह समय पे आते हैं? आंखों की दवाई, अरे आया तो ठीक है, नहीं आया तो कुछ भी नहीं है। सर्दी गर्मी जा, कोई भी मरीज में एक ही दवाई दे दे, सब एक ही चल रही है, कैसा ही मरीज है। मेरा नाम नेपाल सिंह यादव है, मैं जी यार दुकान रखे हो थोड़ी सी स्वास्थ्य केंद्र के पास में। अच्छा, क्या हालात है स्वास्थ्य केंद्र के? स्वास्थ्य केंद्र में हालत का है, मरीज आ जाता है ढंग से इलाज नहीं होता, बोलते दवाई नहीं है। अच्छा, नहीं है तो रिफर कर दिया। डॉक्टर वगैरह समय पे आते हैं? डॉक्टर वगैरह आती है, कहीं शर्मा जी थे तब तो ठीक ठाक था, तो डॉक्टर को आ गया को नहीं आया, कोई दवाई नहीं है, एक ही दवाई बुखार में चल रही है, एक ही भाई एक ही दवाई देते हैं, कोई भी तकलीफ हो जाए भाई दवाई में, भाई बुखार में चल रही है, भाई दर्द में चल रही है, भाई में चल रही है। कहाँ जाए ऑब्जेक्शन उठाने के लिए, कहाँ जाए? तो शिकायत नहीं की आपने कहीं नहीं अभी तक? क्लास में मुझे मोली नहीं पढ़ पा रहे, क्या सर? क्या मैं 60वें साल में हूँ भाई? आप आशा कार्यकर्ता रीना वगैरह। अच्छा, कहाँ से आए हो? खिरिया से। अच्छा, जहाँ के चलिए स्वास्थ्य केंद्र आए, जहाँ पे डिलीवरी लेके आई है? ठीक है, किसकी डिलीवरी लेके आई है? हमारे गांव से है। क्या नाम है प्रसूता का? वर्षा बाता। कब लेके आए थे? आज 7 बजे सुबह। सुबह नरवर स्वास्थ्य केंद्र में आपको? हाँ, मंगरोनी PSC पे। ये मंगरोनी PSC है? मंगरोनी PSC। तो क्या कुछ हालत मिली है यहाँ पे? यहाँ पे तो बस सिस्टर थी और कोई नहीं था, डॉक्टर वॉक्टर नहीं थे। अबे समय कितना हुआ है ये डॉक्टर आने का, समय क्या है? अब जी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तो 10-22 हो गए। 10-22 हो गए हैं, 10-22 पर डॉक्टर नहीं आए हैं अभी। मैं ना मैडम को तो देखा नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि अभी मैडम आई नहीं। 9 बजे का नियम रहता है डॉक्टरों का? हाँ रहता है, पहले भी शर्मा जी बैठे थे तो 9 बजे बैठ जाते थे। LD शर्मा, वो BO में 9 बजे बैठ जाते थे। आपको चलेगा क्या वो? अब वो नरवर में। तो आप कौन डॉक्टर साहब हैं? अब पता नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैं 1 महीने के अंदर अभी आई हूँ। अब डॉक्टर साहब बैठे हैं, इधर बैठे हैं, अब पता नहीं है नए डॉक्टर साहब आए हैं। हाँ वो तो आए हैं। मेरा नाम सफीउल्लाह खान है। अच्छा, ये मंगरोनी स्वास्थ्य केंद्र में क्या कुछ लापरवाही मिली आपको? लापरवाही, मेरा बच्चा गिर गया था रात के समय में, आया एक दिन यहाँ पे डॉक्टर मिले, उन्होंने मना कर दिया पट्टी करने से। हो गए करीब 10-15 दिन फिर पट्टी करने से मना किया। डॉक्टर कौन से थे? डॉक्टर बैठे हुए थे सर रात में। तो वैसे सुबह कितने बजे यहाँ डॉक्टर आ जाते हैं, कुछ जानकारी है? वैसे तो 10-11 बजे आ जाते हैं। 9 बजे का टाइम रहता है इनका? 9 बजे से पहले नहीं आते, अभी नहीं आते। नहीं, कहाँ रहने वाले हैं आप? अपन मंगरोनी के। मंगरोनी के कभी नहीं आए मैडम वगैरह आए हैं यहाँ पे? कभी नहीं आते, 9 बजे कोई नहीं मिलता। आप बच्चे को लाए थे तो क्या कहा इनने? पट्टी करने से मना कर दिया, बोल दिया था पट्टी नहीं हो पाएगी रात में। क्या नहीं हो पाएगी? जी पता नहीं है क्यों नहीं करी इन्होंने, जो कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, व्यवस्था नहीं है सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में? स्वास्थ्य केंद्र मैंने बाजार में जाकर पट्टी करवाई बच्चे की, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में आपने बोला नहीं व्यवस्था नहीं है, पर क्या काय को लाए जी सर? गवर्नमेंट की लापरवाही है। क्या नाम है आंटी आपका? क्या नाम है? गीता भाई। कहाँ रहती है? मंगरोनी। अच्छा, नरवर स्वास्थ्य केंद्र में क्या हाल है?
कोई सर क्या नहीं है, उसको बच्चा भी ले जाते हैं, जच्चा भी आते हैं, कुछ सुनवाई नहीं आती। अभी हमारा मरीज भी आया था जहर खा लिया तो बाहर भगा दिए बेचारे, तो सीप ही डराए वो। अभी आज चार दिन से वो शर्मा के ले गए तो ना शर्मा ने भी दिखाया। तो आप लोग जाते हैं तो कोई इलाज वगैरह नहीं करते? कोई नहीं थे, जांच करती है हमारी। क्या बोल देते हैं? नहीं कुछ नहीं, वो तो सब भगाती है, पर्चा बना देते हैं, भगा देते, कम्प्लीट काम चल रहा है, वे रुपये से काम चल रहा है। पैसा नहीं हो तो कहाँ से आएगा? डॉक्टर वगैरह समय पे आते हैं? नहीं कोई समय पे नहीं आते, कोई नहीं आता। बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है ना, मैं इतना कब से चल रही है? गरीब आदमी से तो सुनवाई नहीं है, कब से चल रही है? वहां पर खाई खिलाने लगाई है, गरीब का ही लगाई है। बिल्कुल गरीब लगाई है ना, अब ना तो पैसा बता दो तो बाकी इलाज हो जाएगा, नहीं ना तो भाई चली जा। पैसे मांग रहे हैं? ऐसे मांगते हैं? हां पैसा मांगते हैं। कौन मांगता है? हां वो पहले शर्मा जी पे रहते, शर्मा जी चले गए जब है, कोई सुनवाई ना ना जाए, गरीब आदमी की तो मरवाई है वो तो समझ। नाम का है नाम के नहीं है? नाम नहीं जानती हम उनको, डॉक्टर का नई नई डॉक्टर के अंदर नाम के नहीं है। हाँ काम कुछ नहीं, हमारे बच्चे की जन्म पत्री नहीं निकाल पा रहे, वो भी पैसा हमें निकाल रहे होंगे, 300 रुपया मांग रहे रिश्वत लेके, रिश्वत मांगते हैं। हाँ जन्म पत्री हमारे बच्चे की आधार कार्ड नहीं बन पाए, और जय आती है तो शर्मा के जाओ, शर्मा जैसे निकल गए। अब काखरा बोलो, मेरे 3 बच्चे ने कोई भी पढ़ाई उसको आदमी में नहीं बन पेट पा रहे, बच्चा आईडी नहीं बन पा रही, इनकी जन्म पत्री से आधार कार्ड नहीं बन रहा। आज मरीजों ने भी काफी लापरवाही के आरोप लगाए, उनका कहना है डॉक्टर भी समय पे नहीं आते मंगरौनी स्वास्थ्य केंद्र पे, और क्या नाम है उनका कहना है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं भी कुछ दुरुस्त है और दवाई गोलियां उपलब्ध नहीं हो रही पा रही जब से शर्मा जी गए हैं। शर्मा जी की सब लगातार सबने तारीफ करी, मस्जिद नहीं तो मैं एक्चुअली क्या वहाँ लगातार रहा हूँ जी, 20-25 साल मैंने सेवाएं दी हैं, तो मैं वहाँ 24 घंटे और मैं क्या लगातार 24 घंटे सेवाएं देता था जी, जी। जब से मैं सीबीएमओ बना हूँ तो मैं नर्वस स्वास्थ्य केंद्र में आ गया जी। तो वहाँ भी नए लोगों की पोस्टिंग हुई है, वहाँ पर डॉक्टर 3 है अभी प्रेजेंट में, एक डॉक्टर टीनू दुबे हैं, डॉक्टर माझी हैं और डॉक्टर के दुबे हैं, और डॉक्टर टीनू दुबे डॉक्टर नहीं टीनू दुबे तो हैं। हाँ तो वो आज क्या बाहर है, दतिया गई वो अपने एम्प्लॉय कोड लेने। तो सर उसमें उन्होंने आज की नहीं बाकी और दिनों की भी बताई है, ये कि उन्हें 11 बजे से पहले आती नहीं है और अभी भी हमारे नहीं, मैंने अभी क्या है 15 दिन पहले वो उनने क्वार्टर शिफ्ट कर लिया है, क्वार्टर में रहने लगी हैं, और मैं दिखवाता हूँ अगर वो लेकर सारे मरीजों की 10 से 5-7 बाइटें लेके हो रहा है, तो ज्यादातर उन्हें यही बताया कि यहाँ पे ना तो दवाई मिलने पट्टी बनवाने आ रहा है, तो जबकि आपके समय में वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में बहुत अच्छा तारीफ चल रही है। नहीं मैं तो क्या लगातार 24 घंटे काम करता था, और इवन हमारे यहाँ डिरेक्शन नहीं है, करीब 20 साल थे मंगरौनी प्राथमिक स्वास्थ्य में डिरेक्शन नहीं है, तो मैं तो कभी जब पेशेंट आता था तो मैं कभी कभी अपने हाथ से भी पट्टी कर देता। आप बाकी अब अधिकारी हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बाकी व्यवस्थाएं भी नहीं, मैं लगातार व्यवस्था देख रहा हूँ, और उसमें कुछ थोड़ा सा इशू है कुछ लोगों के, उनको शॉर्ट आउट कर देंगे, वरिष्ठ कार्यालय से मिलते। ताले भी लगे मिले सर, एक दो उसमें डॉक्टर नहीं बैठते हैं उसमें? नहीं ताले तो नहीं लगे होंगे, ताले क्वार्टर के लगे हो सकते हैं। अच्छा तो मैं दिखा लेता हूँ थोड़ा सर, मैं दिखवा लूँ मरीज लोग, जितने मरीज थे सारी आपकी तारीफ करी, जब से हो गए जब से कहीं वीरान हो गए चुकाए अस्पताल। नहीं वो सही है, मैं दवाई देते हैं हर पेशेंट, कोई भी नहीं, मैं लगातार सेवा दे रहा था, मैं बता तो रहा हूँ, मैं लगातार सेवा दे रहा था, लेकिन मैं दिखवा लेता हूँ, स्टाफ जो लापरवाही बरत रहा है मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। एक और बात है, ये कह रहे हैं जो रिश्वत देते हैं ना, जो फीस लेते हैं उसी की इलाज होता है, और जो पैसे नहीं देते उनका इलाज नहीं होता। नहीं मैं दिखवा लेता हूँ, अगर ये बात सही है तो अपन उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।